नमस्कार, बिहार लाइव 7 की खास न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं जहानाबाद जिले के दिन भर की खबरों पर। 150 जैक लगे और मकान उठ गया जमीन से 2 फीट ऊपर। मामला जाफरगंज स्थित द्वारिका नगर मोहल्ला का मकान के सामने बनी सड़क की ऊंचाई ज्यादा होने से हो रही थी परेशानी। जहानाबाद जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा, बिहार दिवस की शुभकामना संदेश पत्र घर घर किया जाएगा वितरण, छात्र छात्राओं के बीच भी किया जाएगा वितरण। कहा, संदेश पत्र के माध्यम से बिहार के गौरवशाली इतिहास एवं स्वर्णिम भविष्य की दी जाएगी जानकारी। निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन का डीएम नवीन कुमार ने किया समीक्षा, विकास कार्यों में पाए गए कमियों को तुरंत निष्पादित करने का दिया आदेश। कहा, लंबित पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण कर शीघ्र करें निष्पादित। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के उपस्थिति में कांग्रेस ने निहालपुर में किया किसान महापंचायत का आयोजन। कहा, किसानों की अनदेखी कर रही है सरकार, नए कृषि कानून से किसानों का होगा काफी नुकसान। प्रतिभा पल्लवन पब्लिक स्कूल का वार्षिक परीक्षा हुआ संपन्न, 20 मार्च को घोषित की जाएगी परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित, स्कूल निदेशक डॉक्टर अभिराम। कार्यपालक सहायकों के आंदोलन का भाकपा माले किया समर्थन, माले नेताओं ने कारगिल चौक पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में हुए शामिल। कार्यपालक सहायकों की सभी मांगे को बताया जायज। कहा, सरकार के खिलाफ तेज होगा आंदोलन। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताली कर्मियों के समर्थन में दूसरे दिन भी सड़क पर उतरे माले एवं एक्टू नेता। निजीकरण का मतलब है नौकरियों में कटौती और रोजगार सुरक्षा पर हमला। श्रीनिवास, एसएस कॉलेज में की जाएगी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा ने जेडीयू द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को बधाई दिया है। ये थी खबरें आज तक। आप सभी को शुभ रात्रि। नमस्कार।